मैंने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल्स और लिए सो दैट कि हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो लेट्स सी ऑल द थ्री एग्जाम्पल्स इन दिस वीडियो। ओके, चलो क्या दिया है पहले एग्जाम्पल में, लेट्स सी। क्यू लिमिटेड इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो कंपनी को कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना है? 5,000। इसका मतलब क्या है? कंपनी इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकता। ये जो ₹10 है ये क्या है? सॉरी, ये तो फेस वैल्यू है। एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज कितना बोला है? 2 पर शेयर। तो फटाफट बताओ व्हाट विल बी इश्यू प्राइस? सर, इश्यू प्राइस विल बी 12। वेरी गुड। बोलो पेबल और एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे कितना रुपीज है? 2 रुपीज। अलॉटमेंट में 5 रुपीज, राइट? एंड याद रखना यहां पे क्या लिखा हुआ है वो भी देख लो एक बार। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग वॉट? सर, इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब ये जो 5 है, इस 5 को वी विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक आएगा फेस वैल्यू और दूसरा आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है? सर, 2 रुपीज। तो ₹5 में से ₹2 का प्रीमियम है तो फेस वैल्यू विल बी 3 रुपीज, राइट? ओके, देन फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 2 रुपीज। तो अगर मैं ऐड करूं तो एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे टोटल 5, मतलब 7, फर्स्ट कॉल पे 3, टोटल 10 एंड फाइनल कॉल पे 2, मतलब टोटल बिकम्स 12। सो ये जो 12 है दैट बिकम्स योर इशू प्राइस। ओके, श्योर। देन उसके बाद क्या लिखा है, लेट्स सी। उसमें लिखा है एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 6,000 शेयर्स। अच्छा बताओ कंपनी कितना शेयर बेच सकता है? सर, 5,000। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? सर, 6,000। कितना एक्सेस है? सर, 1,000। उसको क्या करना है? रिजेक्टेड। तो वो जो 1,000 है, जो एक्स्ट्रा है, उसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने का मतलब उनको हम लोग शेयर्स नहीं बेच रहे। और तुम अगर शेयर्स नहीं बेच रहे हो तो कॉमन सेंस से उन लोगों को रिफंड करना पड़ेगा, राइट? उनको क्या करना पड़ेगा? उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ओके, देन आगे चलते हैं। क्या लिखा है? आर टू हुम 500 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे बोथ कॉल्स। ओ हो, मतलब ये जो आर नाम का बंदा है, आर, मिस्टर आर, ये जो शेयर होल्डर है, फेल्ड टू पे। फेल्ड मतलब उसने पैसे नहीं दिए। किसके पैसे नहीं दिए? बोथ कॉल्स, मतलब इसने फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं दिए और इसने फाइनल कॉल के भी पैसे नहीं दिए, राइट? ओके, आगे चलते हैं। क्या लिखा है? एस द होल्डर ऑफ 800 शेयर्स फेल्ड टू पे फाइनल कॉल। ओके, मतलब ये जो है शेयर होल्डर एस, उसके पास 800 शेयर्स थे और इसने क्या किया है? फेल्ड टू पे फाइनल कॉल, राइट? तो ये जो आर है उसके पास 500 शेयर्स थे, उसने दोनों भी कॉल का पैसा नहीं भरा, फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा और सेकंड कॉल भी नहीं भरा। लेकिन ये जो एस नाम का जो शेयर होल्डर है, इसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, बराबर है? ओके, फिर क्या लिखा है? ऑल दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। मतलब फाइनल कॉल करने के बाद ये सब शेयर्स को हमने क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया, राइट? तो बताओ फटाफट हम लोग ने इन ऑल कितने शेयर्स फॉरफिट किए होंगे? सर देखो, आर का 500 और एस का 800, तो 500 प्लस 800 कम्स टू टोटल 1300। तो शॉर्टकट में बात करें तो हम लोग ने टोटल 1300 नंबर ऑफ शेयर्स क्या किए? फॉरफिट किए। ओके, अब उसने क्या बोला है? देखो, उसने बोला है
Of the for shares forfeited, 900 shares were reissued to T, credited as fully paid up for rupees 9.5 per share. Oh, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था सर? 1300 जो हम लोगों ने फॉरफिट किया, राइट? उसमें से मैंने रीइशू कितना किया? सिर्फ 900। वो भी रीइशू कितने में किया? 9.5 में। फेस वैल्यू कितना है? 10 है। तो कितने का लॉस हुआ? 0.5 का, बराबर है? अच्छा, एक चीज अब तो तुम लोग के दिमाग में क्लिक हुआ रहेगा कि फॉरफिट किया है 1300, रीइशू किया है 900। इसका मतलब पूरा का पूरा शेयर फॉरफीचर हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट? और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने ये बोला है द होल ऑफ आर्स शेयर बीइंग इंक्लूडेड, मतलब ये जो हम लोग ने रीइशू किया ना, रीइशू टोटल कितने शेयर रीइशू किए? 900। उसमें आर का भी शेयर है और एस का भी शेयर है, तो बोल रहा है आर के होल ऑफ आर, मतलब आर का मैंने पूरा का पूरा 500 शेयर बेच दिया, तो आर के शेयर्स में से पूरे के पूरे 500 थे, तो बताओ एस में से कितने होंगे? सर देखो टोटल 900 शेयर रीइशू किया, उसमें आर का 500 है, तो सर कॉमन सेंस से एस के कितने होंगे? 400। एस के कितने होंगे? 400। क्लियर? शैल वी स्टार्ट विद दिस सम? श्योर, ठीक। सो लेट स्टार्ट, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एंट्री नंबर वन, बोलो क्या एंट्री आएगा? सर एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो कितने एप्लीकेशन पे पैसे मिले? सर 6000। कितने रुपए मिले? सर एप्लीकेशन के 2 रुपीज, तो हमको मिले 6000 पे 2 रुपीज के हिसाब से, टोटल मिला के 12000। चल अब मुझे बताओ कितने एप्लीकेशन के पैसे मिले? 6000। लेकिन कंपनी कितना इशू कर सकता है? सर 5000। तो तुम लोग के शेयर होल्डर कितने बन सकते हैं? 5000। तो ट्रांसफर टू कैपिटल जब तुम करोगे तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल होगा? ओनली 5000। और अगर मैं ये 2 रुपीज का बात करूँ तो ये जो 2 रुपीज है वो तो फेस वैल्यू है, तो कॉमन सेंस है फेस वैल्यू है तो कहाँ पे जाएगा? कैपिटल में, राइट? चलो एंट्री नंबर टू क्या करना है? एप्लीकेशन जितना क्रेडिट उतना डेबिट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो जितना हमने क्रेडिट किया उतना हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सो दैट इज 12000। और इसको ट्रांसफर कहाँ करना है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो कैपिटल में कितना जाएगा? 6000। नहीं सर, कंपनी कितना इशू कर सकता है? 5। तो कैपिटल में भी कितना जाएगा? 5 इंटू फेस वैल्यू, और सर यहाँ पे पूरे के पूरे 2 रुपीज जो है वो फेस वैल्यू ही है, तो दिस अमाउंट कम्स टू 10000। तो टोटल हमको मिला है 12000, जिसमें से कैपिटल में ट्रांसफर किया 10, तो ऊपर के 2000 को क्या करना है? सर वो तो रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड करेंगे तो जेब से क्या जाएगा? कैश जाएगा, तो कैश एंड बैंक अकाउंट यहाँ पे कर दिया है रिफंड, राइट? तो बताओ क्या करोगे? कितने नंबर ऑफ शेयर्स को रिफंड कर दिया? 1000 इंटू 2, सो द अमाउंट कम्स टू 2000, राइट? श्योर। तो ये हो गया अपना कैश बैंक टू व्हाट? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू कैश बैंक करके रिफंड, ओके? चलो एंट्री नंबर थ्री। एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? सर अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट में पहला एंट्री कौन सा आएगा? सर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री आएगा। चलो अलॉटमेंट ड्यू एंट्री बताओ।
सर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब अलॉटमेंट से पैसा आएगा, मतलब रिसीवेबल कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे आएगा? सर देखो, कंपनी इशू कर सकता है 5,000, कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म आए थे 6,000 के, जिसमें से 1,000 रिफंड कर दिया, तो अब पूरा का पूरा कैलकुलेशन 5,000 पे ही होगा। ओके, सो 5,000 पे हर एक शेयर होल्डर तुमको कितना पे करने वाला है? सर हर एक शेयर होल्डर हमको एक शेयर पे करेगा अलॉटमेंट के 5 रुपीज। वेरी नाइस, सो 5,000 × 5, सो दैट कम्स टू 25,000, राइट। और इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सर कैपिटल में। तो क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए शेयर्स कितने आएंगे? सर शेयर्स तो पूरे के पूरे 5,000 आएंगे। ओके, तो क्या हम लोग पूरे के पूरे 5 रुपए भी ट्रांसफर कर दें? नहीं सर, 5 रुपए में से फेस वैल्यू सिर्फ 3 रुपए, तो इंटू 3, सो 5,000 × 3 दैट गिव्स यू 15,000। और 2 रुपए क्या है? सर सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो बस, तो यहां पे लिख दो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स? सर पूरे के पूरे 5,000। उसपे प्रीमियम पर शेयर कितना है? सर 2 रुपीज, सो 5,000 × 2 दैट गिव्स मी 10,000, राइट। तो ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू। अब बताओ अलॉटमेंट ड्यू के बाद क्या आएगा? सर अलॉटमेंट रिसीव्ड, एंट्री बताओ। एंट्री आएगा सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो अमाउंट बताओ। सर देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया 25, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट भी करेंगे 25,000 से, राइट। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला है कि देर इज अलॉटमेंट इन एरियर्स, मतलब अलॉटमेंट के तो भैया हमको पूरे के पूरे पैसे मिले। यहाँ पे एक भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं था जिसने पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लोगों को पूरे के पूरे 25,000 रुपीज मिल गए, राइट। तो यहां पे सबके सब लोगों ने पेमेंट किया है। ओके चलो नेक्स्ट, बोलो अलॉटमेंट के बाद क्या आएगा? सर अलॉटमेंट के बाद आएगा फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री। सर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या आएगा बोलो? टू इक्विटी शेयर व्हाट? सर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं तो यहां पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसा आएगा? सर 5,000 × बोलो फर्स्ट कॉल पे हम कितने रुपए मांग रहे हैं? सर 3 रुपीज। ओके, तो × 3, सो दैट कम्स टू 5 × 3 दैट इज 15,000। ओके, तो ये क्या एंट्री हो गया? सर ये हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री। बोलो ड्यू के बाद क्या होगा? रिसीव्ड। अरे सर आप तो लिखना भूल गए, यहाँ पे देखो पॉलिसी एरियर्स है, ये जो आर है, आर ने 500 शेयर्स पे पेमेंट नहीं किया है, आप यहाँ पे तो लिखना भूल गए। अरे भैया भूला नहीं है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो एंट्री है ड्यू का एंट्री है। ड्यू मतलब तुमने मांगा है, मांगते वक्त तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन पैसा दे रहा है या कौन नहीं दे रहा है? वो तो जब रिसीव्ड का एंट्री आएगा, जब रिसीव्ड का एंट्री आएगा तब तुमको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसा मिले और कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे नहीं मिले। सिंपल है। ओके, तो बताओ फर्स्ट कॉल ड्यू के बाद क्या आएगा? फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, रिसीव्ड का एंट्री क्या आएगा? तो रिसीव्ड मतलब पैसा मिला, तो कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट
एक लाइन छोड़ दो, टू क्या आएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कि जो पैसे मिले वो फर्स्ट कॉल के मिले। चलो यहां पे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना है 15, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कितना होगा? जितना डेबिट उतना क्रेडिट। अच्छा, क्या सब लोगों ने पेमेंट किया? नहीं, राइट। तो यहां पे कुछ तो पॉलिसी नीडर्स है, कॉल्सिन एरियर्स का मतलब लॉस, लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, तुम्हें यहाँ पे लिख दी तो कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट, राइट। चलो बताओ फर्स्ट कॉल का पेमेंट किसने नहीं किया? सर आर ने नहीं किया। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं किया? सर 500 नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं किया। वेरी नाइस। तो कैन बी से कि ये जो कॉल्सिन एरियर्स है वो 500 शेयर्स पे, राइट। अच्छा, हर एक शेयर पे कॉल के कितने पैसे मिलने वाले थे? सर 3 रुपीज। तो कॉमन सेंस से इसने 3 रुपए नहीं भरे होंगे, राइट। ओके, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? सर 5000। अब मुझे बताओ 5000 में से 500 शेयर्स के पैसे तुमको नहीं मिले, तो बताओ फटाफट कितने नंबर ऑफ शेयर्स के पैसे मिले होंगे? सर 4500 नंबर ऑफ शेयर्स पे हमको पैसे मिले होंगे। वेरी नाइस। तो बोलो व्हाट विल बी द अमाउंट? 5 3 15, दिस विल बिकम 1500 एंड 4500 इनटू 3, दैट कम्स टू 13500। क्लियर? कंफर्म? श्योर, ठीक है, आगे चलते हैं। 5 के बाद 6 के बाद 7, नेक्स्ट एंट्री विल बी एंट्री नंबर 7। बोलो फर्स्ट कॉल के बाद क्या आएगा? सर फर्स्ट कॉल के बाद आएगा फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री। वेरी नाइस। बोलो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और पूरा का पूरा तो फेस वैल्यू ही है। तो बोलो कितने रुपए लेने हैं? फाइनल कॉल पे सर 2 रुपीज। ओके, तो यहां पे आ जाएगा 5000 इंटू 2 रुपीज, सो द टोटल अमाउंट कम्स टू 10000, राइट। तो ये हो गया कौन सा एंट्री? ड्यू का एंट्री। और ड्यू के एंट्री में कभी भी कॉल्सिन एरियर्स होता नहीं है। चलो ड्यू के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा? सर ड्यू के बाद नेक्स्ट एंट्री विल बी रिसीव। एंट्री बोलो सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के क्योंकि एरियर्स है, लॉस है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। वेरी गुड। चलो बोलो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को डेबिट कितना किया है? 10। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट कितना करेंगे? सर 10000। वेरी गुड। अब यहाँ पे कॉल्सिन एरियर्स है, कॉल्सिन एरियर्स मतलब लॉस, लॉस का मतलब डेबिट, तो कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं फाइनल कॉल का बात करूं, फाइनल कॉल का, तो यहाँ पे ये जो तुम लोग के सामने आर है, आर उसने 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा, फाइनल कॉल भी नहीं भरा, और ये जो एस है इसने फाइनल कॉल नहीं भरा 800 शेयर्स पे। तो राउंड एंड राउंड अगर मैं टोटल बात करूं तो 500 प्लस 800 टोटल मिला के 1300 पे मुझे फाइनल कॉल नहीं मिला है। तो राउंड एंड राउंड 1300 पे मुझे फाइनल कॉल मतलब 2 रुपीज नहीं मिला है। चलो अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर है 5000, 5000 में से 1300 के पैसे नहीं मिले, तो बताओ कितने के पैसे मिले होंगे? सर 5000 माइनस 1300 तो सर 3700, 3700 के पेमेंट हम लोगों को मिले होंगे, राइट। चलो बोलो 1300 इंटू 2, सो दैट गिव्स यू 2600, That gives you 2600 and 3700 into 2, that gives me
7400, ठीक है। चल अब ये सब एंट्री होने के बाद जो नेक्स्ट एंट्री है दैट एंट्री विल बी फॉर फॉरफीचर। नेक्स्ट एंट्री किसका आएगा? फॉरफीचर, राइट। अब फॉरफीचर का क्या एंट्री आएगा? सर देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक आर के शेयर्स फॉरफिट करने, आर के 500 शेयर्स, हम लोगों को यहां पे एस के शेयर्स फॉरफिट करने, एस के 800 शेयर्स, राइट। तो टोटल मिला के हमको 1300 शेयर्स फॉरफिट करने, टोटल मिला के हम लोगों को 1300 शेयर्स को फॉरफिट करना है, बराबर है। अब 1300 शेयर्स को हम लोग कैसे फॉरफिट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझ लो, फॉरफीचर का एंट्री कैसे आएगा, क्या आएगा, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ध्यान से सुनना। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पे कर देते हैं वर्किंग नोट। क्या करेंगे हम लोग? वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट में हम लोगों को सबसे पहले आर का 500 शेयर्स करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद हम लोगों को एस का 800 शेयर्स करना पड़ेगा, ठीक है। चल तो इसको डिवाइड कर देते इनटू फोर पार्ट्स। कौन कौन सा है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, राइट। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपीज, बराबर है क्या? 3 रुपीज, हाँ। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम पे 5, फर्स्ट कॉल में 3, फाइनल कॉल में 2, बराबर है। और याद रखना यहां पे अलॉटमेंट में ये जो 5 है, अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिक्योर, पहले फेस वैल्यू लिखते हैं, फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम 2 है और फेस वैल्यू है 3 रुपीज, ठीक है। चल अब अगर हम लोग 500 से सबको मल्टीप्लाई कर दे 500 से, तो क्या अमाउंट आएगा? सर 500 इंटू 3 इज 1500, 500 इंटू 3 इज 1500, 500 इंटू 2 इज 1000, दिस इज 1500 एंड दिस इज 1000, राइट, ओके। अब अगर मैं आर का बात करूं, अगर मैं आर का बात करूं तो इसने हम लोगों को दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया, मतलब उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट भी नहीं किया, उसने फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया, लेकिन उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये पेमेंट उसने किया है, ठीक है। वर्किंग नोट ध्यान से देखो, समझने का कोशिश करो, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अभी सीखने को मिलेगा, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो ये वाला वर्किंग नोट तो अपना हो गया है, अब आ जाते हैं हम लोग एस के पास, और एस के पास टोटल है 800 शेयर्स, जिसको वंस अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे इंटू 4 5। बोलो, एप्लीकेशन का 3 रुपए, अलॉटमेंट का 5 रुपीज, विच विल बी अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फेस वैल्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, फेस वैल्यू 3 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपीज, देन फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज, एंड देन फाइनल कॉल
एंड फाइनल कॉल का 2 रुपीज। ओके, तो 800 शेयर्स के हिसाब से 8 3 24 2400, दिस इज 2400, 8 2 16, 8 3 24 एंड 8 2 16, बराबर है। ओके, अब अगर हम लोग क्वेश्चन ध्यान से रीड करें तो इसमें लिखा है कि इसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, फाइनल कॉल पे नहीं किया, तो बाकी का तो पेमेंट किया है, तो ये भी टिक आएगा, ये भी टिक आएगा, ये भी टिक आएगा, ये भी टिक आएगा, बराबर है। ओके, अब यहां पे जरा ध्यान दो, फर्स्ट कॉल कितना एरियर्स है सर? 1500 क्रॉस किया, मतलब कॉल सीन एरियर्स हो गया। यहां देखो, फर्स्ट कॉल कितना एरियर्स है सर? 2400, जरा प्लस करो तो 1500 प्लस 2400 सर टोटल है 3900, कौन सा? फर्स्ट कॉल का। तो यहां देखो, यहां पे सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहां पे ये जो फर्स्ट कॉल है, यहां पे फर्स्ट कॉल में टिक है, टिक टिक मतलब एरियर्स नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी माय मिस्टेक। तो यहां पे एरियर्स फर्स्ट कॉल में सिर्फ 1500 है, तो अब देखो यहां पे फर्स्ट कॉल का एरियर्स 1500 है ना। ओके, अब अगर मैं बात करूं फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल में देखो यहां पे 1000 क्रॉस है, क्रॉस का मतलब कॉल सीन एरियर्स, और यहां पे फाइनल कॉल में 1600 को क्रॉस है, मतलब ये भी कॉल सीन एरियर्स है, तो 1000 प्लस 1600 दैट कम्स टू 2600। तो यहां पे देखो कॉल सीन एरियर्स अकाउंट 2600 फॉर फाइनल कॉल। ओके, तो जो क्रॉस किया है वो कॉल सीन एरियर्स है, जो हमने क्रॉस किया है वो क्या है? कॉल सीन एरियर्स, ये एक कॉल सीन एरियर्स हो गया, और यहां पे ये एक कॉल सीन एरियर्स हो गया। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? शर, ओके। अब एक ना छोटा सा पॉइंट मैं तुम लोग को पूछता हूं, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ध्यान से सिर्फ सुन लो। मुझे एक बात बताओ, तुम रोड पे ऐसे चलते जा रहे हो और तुमको ना रोड पे 2000 रुपीज का नोट मिला, 2000 रुपए का, फटाफट बताओ उठाओगे कि नहीं उठाओगे? सर पूछ क्या रहे हो, 2000 रुपए का नोट नहीं उठाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, उठा ही लेंगे। वेरी गुड, अब 2000 रुपए का नोट तुमने उठा लिया, बराबर, उठाने के बाद पता चला कि वो नकली नोट है, तो सर चुपके से ना वापिस रख देंगे, कोई देखे ही नहीं, है ना? और अगर वो असली निकला तो चुपके से ना सब जेब में रख के निकल लेंगे। समझ में आ रहा है? बोलने का मतलब क्या है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर वो 2000 रुपीज का नोट असली है तो वो 2000 रुपए तुमको मिले, यू कैन यूज इट, तो क्यों फेंकू मैं वापस? पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है, 2000 रुपए का नोट मिले कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नोट नकली है तो क्या हम लोग उसको कहीं पे यूज कर सकते? यूज नहीं कर सकते, तो क्या फायदा ऐसे नोट रखने का? फेंक दो उठा के वापस, रख दो उसी जगह पे, कोई और उठाए, बराबर है। तो ये मेरा बोलने का मतलब क्या है? मेरा बोलने का मतलब ये है
यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से ये दिख रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट, समझा? और ये कितने रुपीस का है सर? 1000 रुपीस। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट, बराबर है? प्रॉफिट 1000 रुपए का है और यहां पे नीचे देखो टिक भी है। टिक का मतलब क्या? 1000 का नोट मेरे को मिला और वो असली है, समझा? कभी कभी ना आगे जाके क्वेश्चन में ना यहां पे ऐसे क्रॉस होगा, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 रुपए का नोट नकली है। अब बताओ नकली है तो तुम क्या करोगे? जहां से उठा है वहीं पे वापस, मतलब उसको फेंक देंगे, बराबर है ना? लेकिन अपने इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एज ऑफ नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर टिक मार्के की क्रॉस है, सॉरी टिक है। टिक का मतलब वो असली नोट है। तो बताओ रखोगे कि फेंक दोगे? सर रखेंगे। तो क्या हम लोग इस सिक्योरिटी प्रीमियम को, क्या हम लोग इस सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल करेंगे? क्या इस सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल करना चाहिए? कैंसिल, तुम लोग बताओ, क्या इस सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल करना चाहिए? सर क्या बात कर रहे हो, क्यों कैंसिल करें? तो इसका मतलब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख देता हूं। एज सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू, ड्यू का मतलब मांगा। यहां पे अगर तुम लोग देखोगे अलॉटमेंट का एंट्री जब हम लोग ने किया था तभी 5 रुपए पहले ड्यू किए थे ना, मतलब मांगा था, बराबर। एज सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू एंड रिसीव्ड, एज सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू एंड रिसीव्ड, मतलब कंपनी ने मांगा और पब्लिक ने भर दिया, मतलब शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया, राइट? एज सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू एंड रिसीव्ड, नो नीड टू कैंसिल। तो उसको कैंसिल करने का जरूरत नहीं। अच्छा कैंसिल करने का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैंसिल? सर मुझे बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट है कि लॉस है? देखो मैं यहां पे थोड़ा सा लिख भी देता हूं ताकि तुम लोगों को समझे। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट। अगर कैंसिल करना है, कैंसिल, तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करोगे? सर सिक्योरिटी प्रीमियम अपना प्रॉफिट है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करेंगे? वही तो पूछ रहा हूं। सर डेबिट करेंगे। वेरी गुड। अगर अगर कैंसिल करना है, कैंसिल, तो डेबिट करोगे ना? इस क्वेश्चन में तुम कैंसिल करोगे क्या? सर इस क्वेश्चन में ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वहां पे देखो टिक मार्केट, टिक का मतलब असली नोट, तो कैंसिल क्यों करें? कैंसिल का मतलब फेंक देना, राइट? तो अब हम लोग क्या करेंगे? जब हमने वो 2000 का नोट उठाया था तो गपचुप कैसे रख दिया जेब में? सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? इसको गपचुप साइड में रख देंगे। ऐसे मान के चलो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, मतलब इस चीज को इग्नोर कर दो। क्या करो? इग्नोर। कैंसल अलग होता है, इग्नोर अलग। कैंसल का मतलब उठा के फेंक दो, इग्नोर का मतलब ऐसे मान के चलो कुछ हुआ ही नहीं, समझा? तो यहां पे अब हम लोगों को ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा
ये सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे है ही नहीं, इग्नोर, राइट। तो यहां पे मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इज एक मिनट, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू, मतलब मांगा, एंड रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब होता है टिक, ऐसा टिक मार्क तुमने किया कि पैसे मिल गए, पैसे मिल गए मतलब असली नोट है भाई। तो इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू एंड रिसीव्ड, ड्यू एंड रिसीव्ड, तो वो क्या बोलता है, नो नीड टू कैंसल, कैंसल मत करो, कैंसल करना मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना, पैसे तो तुमको मिल गए तो क्यों कैंसल कर रहे हो, कैंसल करना मतलब फेंक देना, तो यहां पे हम लोग उसको फेंकेंगे नहीं, उसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर करना मतलब एज इफ कि हमने कुछ देखा ही नहीं, राइट। तो यहां पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ओके। चलो ठीक है, चलो फटाफट मुझे बताओ इस केस में, इस केस में क्या करोगे, सर इस केस में क्या करोगे का मतलब ही क्या है, यहां पे भी तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है और यहां पे टिक भी है, इसका मतलब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये भी ड्यू एंड रिसीव्ड है, तो सर अगर ये भी ड्यू एंड रिसीव्ड है तो फटाफट यहां पे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर, एज इफ की सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे है ही नहीं, ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, एज सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू एंड रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब टिक, राइट। तो नो नीड टू कैंसल का मतलब क्या, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव्ड है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव्ड है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर, क्या करेंगे, इग्नोर। अच्छा सर अगर समझो सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू मतलब कंपनी ने मांगा, नॉट रिसीव्ड का मतलब वहां पे टिक के जगह पे क्रॉस है, तो मांगा और मिला नहीं, जब तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर होल्डर से मांगा और शेयर होल्डर ने तुमको पे नहीं किया, तो वैसा सिक्योरिटी प्रीमियम बुक में दिखा के क्या कर लोगे, तो इन दैट केस हमको सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, कैंसिल करने के लिए डेबिट है, तो बताओ फटाफट सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल कब करते हैं, जब वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने का मतलब हमको सिक्योरिटी प्रीमियम मिला नहीं है, तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, नॉट रिसीव्ड, देन इन दैट केस हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल करेंगे, ओके। तो ये जो मैंने यहाँ पे आगे के जो एग्जांपल्स लिए ना सेकंड और थर्ड, तो उसके अंदर वो चीज भी मैंने कवर किया है, तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ओके। चल तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जर्नल एंट्री का, ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जर्नल एंट्री का, मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया सो दैट कि हम लोग के सामने वो एंट्रीज रहे, ओके। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि सर जर्नल एंट्री फॉरफीचर का, जर्नल एंट्री फॉरफीचर का आर का अलग एस का अलग, ऐसे दो दो करना पड़ेगा कि दोनों को मिक्स करके एक करना पड़ेगा। देखो फिलहाल दोनों भी करेक्ट है, आर का अलग करो एस का अलग करो, या फिर दोनों का साथ में कर दो, दोनों भी करेक्ट है, राइट, ओके। तो अब देखो मैं यहां पे एंट्री करता हूं, शेयर फॉरफीचर का एंट्री है, पहले हम लोग आर का शेयर फॉरफिट करेंगे, फिर हम लोग एस का शेयर फॉरफिट करेंगे,
ठीक है। अच्छा शेयर को फॉरफीचर का एंट्री बताओ फटाफट, ऑलरेडी तुम लोगों को पता है शेयर फॉरफीचर का एंट्री, फटाफट मेरे को बताओ। सर फॉरफीचर का एंट्री में एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल का मतलब फेस वैल्यू, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मतलब जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट मतलब जिनका पैसा मिल गया है, बराबर है। ओके सेम एंट्री यहां पे भी आएगा, यस सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बराबर है। ओके अब अपने दिमाग में क्या चल रहा है, सर कैपिटल बोला तो फेस वैल्यू होना चाहिए, कॉल्स इन एरियर्स बोला तो मतलब क्रॉस होना चाहिए, और शेयर फॉरफीचर बोला तो टिक होना चाहिए। वापस रिपीट करता हूं, कैपिटल का मतलब क्या होना चाहिए, फेस वैल्यू, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्रॉस, और शेयर फॉरफीचर का मतलब टिक। चलो बताओ अब आर केस में मुझे बताओ फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू। सर अगर हम लोग आर का बात करें तो आर केस में यहां पे फेस वैल्यू कितना है, देखो फेस वैल्यू का बात करो, फेस वैल्यू ये 1500 फेस वैल्यू है, ये 1500 भी फेस वैल्यू है, ये 1500 फेस वैल्यू है, ये 1000 रुपीज भी फेस वैल्यू है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो तो यहां पे कट हो गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम तो यहां पे इग्नोर हो चुका है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को गोली मारो, हमको वो देखना थोड़ी ना, राइट। तो यहां पे बताओ व्हाट विल बी योर फेस वैल्यू, चलो ऐड करेंगे पहले 1500 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 1000, राइट। तो बोलो कितना आएगा, 1500 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 1500, यहां पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे, ओ माय गॉड एक्सट्रीमली सॉरी, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज नहीं है, एप्लीकेशन पे देर इज 2 रुपीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये इरेज कर देता हूँ, अपने कॉन्सेप्ट में इसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ नहीं है, टेंशन मत लो, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये 2 रुपीज आएगा, ये 2 रुपीज, और 2 रुपीज के हिसाब से 500 × 2 दैट कम्स टू 1000, और यहाँ पे आएगा टिक, यहाँ पे 800 × 2 गिव्स यू 1600, और यहाँ पे भी आएगा टिक। ओके चलो वापस से बात कर लेते हैं, फेस वैल्यू ये 1000 रुपीज फेस वैल्यू है, तो चलो फेस वैल्यू का टोटल वापस बताओ, पहले 1000 फिर प्लस 1500 फिर प्लस 1500 और प्लस 1000, सो सर फेस वैल्यू कम्स टू 5000, फेस वैल्यू कम्स टू 5000। तो यहां पे जो R का फेस वैल्यू है, R का फेस वैल्यू वो है 5000, वेरी गुड। चलो अब मुझे बताओ क्रॉस कितना है, R के इसमें क्रॉस कितना है, R के इसमें क्रॉस, सर R के इसमें जो क्रॉस है वो है ये 1500 और ये 1000, तो टोटल जो क्रॉस है, टोटल क्रॉस दैट इज 2500, 2500। चलो आर केस में टिक कितना है, सर टिक केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये 1000 है और ये 1500 है, वैसे देखने जाएंगे तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी टिक था, बट उसको तो हम लोग ने इग्नोर कर दिया, उसको गोली मारो, तो बताओ फटाफट कितना आएगा, सर ये भी आ जाएगा 2500। तो देखो फटाफट यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल तुमने डेबिट किया 5000 से, और यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स 2500, शेयर फॉर फ्यूचर 2500, जर्नल एंट्री टैली हो गया, 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट, क्लियर। चलो
अब हम लोग बात करेंगे एस के बारे में। चलो फटाफट मुझे बताओ एस का कैपिटल कितना। सर एस का कैपिटल देखो 1600, 2400, 2400 और ये 1600 सब फेस वैल्यू है। सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने कंसीडर किया लिए, इट इज इग्नोर्ड, उसको छोड़ दो। तो कितना आएगा सर, इनका टोटल करेंगे ना, तो टोटल आ रहा है 8000। टोटल कितना आ रहा है 8000। चलो क्रॉस वाला अमाउंट बताओ। सर क्रॉस में तो एक ही क्रॉस है, वो आ रहा है 1600, वेरी नाइस। और टिक वाला अमाउंट बताओ। सर टिक में देखो ये 1600, ये 2400 और ये 2400, तो कितना आएगा 16 + 2400 + 2400, दैट गिव्स मी 6400, बराबर है। तो देखो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000, कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट किया 1600, शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट किया 6400, क्लियर। ओके, तो अब यहां पे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, ये जो आर एन आर, इसके 500 शेयर्स पे हमको इतने का शेयर फॉर फ्यूचर मतलब प्रॉफिट हुआ है। ये जो एस एन एस, एस के 800 शेयर्स पे हमको इतने का शेयर फॉर फ्यूचर मतलब प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो आर का जो है, आर के 500 शेयर्स पे हमारा प्रॉफिट कितना है सर, आर के 500 शेयर्स पे हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज 2500, और एस के 800 शेयर्स पे कितना प्रॉफिट है सर 6400, क्लियर कंफर्म। ओके, अब इन दोनों को मिक्स करके हम लोग कौन सा एंट्री कर सकते थे वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, पूरा सम पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है, पहले ये सम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फॉर फ्यूचर का भी हम लोग ने दो एंट्री देख लिया, अब फॉर फ्यूचर के बाद करते हैं री इशू का एंट्री। फॉर फ्यूचर के बाद री इशू, बोलो री इशू का क्या एंट्री आएगा सर, एकदम सिंपल है, बोलो एंट्री बोलो। सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया। अगर सर तुम ध्यान से देखोगे तो फेस वैल्यू 10 है और यहाँ पे री इशू कितने में कर रहे हैं 9.5, मतलब लॉस हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हुआ है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने नंबर ऑफ शेयर री इशू किया है सर 900 शेयर इशू किया, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फटाफट लिख दो। देखो 900 शेयर्स पे हमको मिलेंगे 9.5 रुपीज, 900 शेयर्स पे हमारा जो लॉस है दैट इज 0.5 का, और 900 शेयर्स पे उसका जो फेस वैल्यू है दैट इज 10, राइट। सो 900 × 9.5 दैट गिव्स मी 8550, 900 × 0.5 गिव्स मी 450, एंड दिस इज 9000। ओके, चलो ये एक सिंपल सा एंट्री था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं था। अब जो नेक्स्ट एंट्री है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रांसफर। क्या है वो, ट्रांसफर। सर ट्रांसफर का एंट्री क्या आएगा, सर ट्रांसफर का एंट्री तो एकदम इजी है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, और वो कहां जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्री तो बहुत इजी है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका अमाउंट। बोलो कितना अमाउंट तुम ट्रांसफर करोगे। सर एकदम इजी है, देखो ना यहाँ पे प्रॉफिट है 2500 का, यहाँ पे प्रॉफिट है 6400 का, और यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर के नाम पे लॉस है 450 का, तो कर दो, इजीली कर दो। कितना इजी तो है सर, देखो 2500 ले लो, उसमें प्लस कर दो 6400 और उसमें से माइनस कर दो 450, तो आंसर आएगा 2500 + 6400 - 450।
सर आंसर आएगा 8450। चलो बताओ फटाफट, राइट है कि रॉन्ग है? सर ये तो रॉन्ग है। क्यों? सर देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये जो 2500 है ना सर, ये 500 शेयर्स का बराबर है, और हमको ना चाहिए भी 500 का, लेकिन ये जो 6400 है ना सर, ये 800 शेयर्स का, 800। अगर सर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो हमने टोटल ना 900 शेयर्स रीइशू किया, 900। देखो यहाँ पे 900 शेयर्स रीइशू किया, जिसमें से आर के पूरे 500 है। अगर आर का पूरा 500 है तो ये पूरा का पूरा 500 पे जो प्रॉफिट हुआ है 2500 का, ये पूरा लेना है, पूरा का पूरा। लेकिन लेकिन सर ये जो एस है ना एस, उसके हमने सिर्फ 400 शेयर ही बेचे, उसमें से हम लोग ने सिर्फ 400 शेयर से रीइशू किए, तो ये जो प्रॉफिट है ये 800 शेयर्स का प्रॉफिट है 6400। तो यहाँ पे हम लोग 6400 नहीं ले सकते, हमको यहाँ पे 400 शेयर्स का ही प्रॉफिट लेना पड़ेगा। चलो बताओ फटाफट, 800 शेयर्स का प्रॉफिट है 6400, तो 400 का कितना आएगा? सर 400 इंटू 6400 डिवाइडेड बाई 800, सर आंसर आएगा 3200। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा 3200, जो कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स का है? 400। तो मैंने ये 500 रीइशू किया, मैंने ये 400 रीइशू किया, अब जाके टोटल 900, ये जो है ये टोटल 500 का प्रॉफिट है, ये 400 का प्रॉफिट है, दोनों को मिला के 900 का प्रॉफिट। और ये जो लॉस है, ये जो लॉस है, ये लॉस भी 900 शेयर्स का ही है, ये जो लॉस है वो 900 शेयर्स का है। देखो यहाँ पे 900 इंटू 0.5, तो ये जो लॉस है वो 900 शेयर्स का है, तो जब लॉस 900 शेयर्स का है तो प्रॉफिट भी 900 शेयर्स का ही होना चाहिए। हम यहाँ पे टोटल 800 शेयर्स का 6400 प्रॉफिट नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने 800 में से सिर्फ 400 ही रीइशू किया है। क्लियर? तो बताओ व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड? सर देखो 2500 पूरा का पूरा, क्योंकि पूरा 500 रीइशूड है, प्लस 6400 में से आधा, दैट इज 3200, क्योंकि हम लोगों ने 800 में से सिर्फ 400 शेयर्स रीइशू किया, तो हम लोग सिर्फ उसका आधा ही प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जो मेरा टोटल प्रॉफिट है दैट इज 5700, उसमें से माइनस कर देंगे 450 का लॉस, सो माय अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व विल बी 5250। समझा मैंने क्या बोला? श्योर? तो इसी के साथ ये सम यहां पे कंप्लीट हो गया। लेकिन लेकिन मैं तुम लोगों को ये बता दूं, अगर अगर मैंने शेयर फॉरफीचर का जो एंट्री है, अगर मैंने उसको कंबाइन किया, अगर मैंने शेयर फॉरफीचर के एंट्री को अगर मैंने कंबाइन किया, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द एंट्री? ठीक है, तो वो मैं एंट्री तुम लोगों को यहां पे बता देता हूं। लेट्स सी कंबाइंड वाला एंट्री, ठीक है? तो एंट्री क्या आएगा? एंट्री तो वही रहेगा, एंट्री बताओ क्या आएगा? सर एंट्री तो वही रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये हम लोग कौन सा एंट्री कर रहे हैं? शेयर फॉरफीचर का एंट्री कर रहे हैं, कंबाइंड एंट्री, दोनों को मिक्स करके, ठीक है। टू पॉलिसी इन एरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, राइट? ओके, कैपिटल बोले तो फेस वैल्यू, पॉलिसी इन एरियर्स का मतलब क्रॉस, और शेयर फॉरफीचर मतलब टिक। तुमको अब क्या करना है? दोनों वर्किंग नोट को साथ में देखो, तो मुझे बताओ दोनों वर्किंग नोट का फेस वैल्यू। सर 1000, फिर 1500, फिर 1500, फिर 1000, फिर 1600, फिर 2400, फिर 2400, फिर 1600, बराबर है ना? सो दोनों को अगर मैं प्लस करूं, सो दैट कम्स टू
13,000, दैट कम्स टू 13,000. कॉलसिनेरियर्स दोनों का क्रॉस बताओ, दोनों का सर 1500, 1000, 2500 और ये 1600, कितना आएगा? 1500 प्लस 1000 प्लस 1600, दैट कम्स टू 4100. और टिक बोले तो दोनों का प्लस कर दो, सो 1000 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 1600 प्लस 2400 प्लस 2400, सॉरी वापिस से करते हैं, 1000 फिर प्लस 1500, बाकी 1500 नहीं आएगा, प्लस 1600 प्लस 2400 प्लस 2400, तो टोटल अमाउंट आ रहा है 8900, राइट. लेकिन अगर तुम ऐसे टाइप से कंबाइंड एंट्री करते हो तो तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि शेयर फॉरफीचर आर का कितना था, एस का कितना था और उसमें से किसका कितना लेना है, राइट. तो यहां पे ये जो शेयर फॉरफीचर है, टोटल तो करेक्ट है 8900, बट उसमें ना बहुत सारे गलतियां होंगी, राइट. तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि शेयर फॉरफीचर का दोनों का एंट्री अलग अलग करो, जैसे कि हम लोग ने किया. तो मैंने तुम लोगों को मिक्स करके क्यों बता दिया, मैंने मिक्स करके सिर्फ इसलिए बताया कि ऐसा एंट्री तुम लोगों को कभी कभी किसी किसी बुक में देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि अरे सर ने तो हम लोग को बोला कि शेयर फॉरफीचर अलग अलग ही करना है. तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट अलग करोगे तो दैट इज बेटर फॉर यू. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. क्या लिखा, लेट्स सी. PQR Limited issued a prospectus inviting application for 8,000 shares. Okay, कंपनी को कितना शेयर इशू करना है? 8,000, उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकता, राइट. ऑफ रुपीज 10 इच एट पार. ओके, पेबल एज फॉलोस. ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना है? 8,000, राइट. उसका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज. और वो भी क्या बोले, एट पार, मतलब फीस वाली भी 10 रुपीज ही है और इश्यू प्राइस भी 10 रुपीज, राइट. एप्लीकेशन पे 2 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 3 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और फाइनल कॉल पे 2. तो 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स, मतलब ना कम ना ज्यादा, मतलब इक्वल सब्सक्रिप्शन. तो यहाँ पे ना रिफंड देने का टेंशन है, ना कुछ, राइट. ओके, फिर क्या बोला, एक्स टू हुम 200 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे. ओ, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. ओ माय गॉड, ये तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है. अब यहाँ पे जरा ध्यान दो. बोलो, शेयर होल्डर का नाम क्या है? एक्स. कितने शेयर्स थे? 200. क्या नहीं पे किया? फेल टू पे क्या? अलॉटमेंट मनी. एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे क्या? फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. मतलब ये जो मिस्टर एक्स है, ये जो शेयर होल्डर है, इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं भरे, इसने फर्स्ट कॉल के नहीं भरे. कंपनी ने ना वेट ही नहीं किया, सीधा फर्स्ट कॉल के बाद ही उसको लात मार के भगा दिया. On his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. मतलब इस बंदे से, इस shareholder से कंपनी ने final call किया ही नहीं, उसके पहले ही निकाल दिया. बोले बक, allotment का पैसा नहीं भरा, first call नहीं भरा, तो owner होने के लायक ही नहीं, निकाल दिया, right? Then उसके बाद क्या बोला है, why the holder of 300 shares failed to pay both calls? And his shares were forfeited after second and final call. So once again, यहाँ पे दो बार forfeiture है, एक X के shares का, दूसरे Y के shares का. लेकिन X का shares का forfeiture कब हो रहा है? First call के बाद. Y के shares का forfeiture कब हो रहा है? Second call के बाद. तो इतना तो confirm है, दोनों के forfeiture का entry तो अलग अलग ही आएगा, क्योंकि अलग अलग time पे forfeit हुआ है. Okay? तो टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट हुए सर? यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, टोटल मिला के 500 फॉरफिट हुए. उसने क्या बोला, ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 400 शेयर्स वर सोल्ड टू सी.
मतलब आउट ऑफ 500, आउट ऑफ 500 400 शेयर ही रीइशू है, और वो भी एज अ फुली पेड अप 4 रुपीज 9, मतलब 9 रुपए में बेचा, मतलब 1 रुपए का क्या है लॉस है, राइट। द होल ऑफ एक्स शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, मतलब एक्स के 200, मतलब ये जो टोटल रीइशू किया है, ये जो टोटल रीइशू किया है, इस 400 में 200 जो है वो एक्स का है और 200 जो है वो किसका है, वाई का। तो वाई का जो टोटल 300 प्रॉफिट किया था ना, उस 300 में से सिर्फ 200 ही हम लोग ने क्या किया, मार्केट में री इशू। तो हम लोग जब शेयर फॉर फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे तो उसमें हम लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। एंट्री नंबर 1, बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है? अरे सर क्या बराबर है, एप्लीकेशन में पहले रिसीव्ड का एंट्री है। ओ बोलो, एंट्री विल बी कैश और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मैं यहां पर ना ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूं, बट तुमको लिखना है, बताओ क्या लिखोगे। सर देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 8000 थे, 8000 पे हम लोगों को एप्लीकेशन के 2 रुपीज मिले, तो टोटल अमाउंट हो गया 16। तो तुम लोग वहां पे ब्रैकेट में लिख दो 8000 × 2। सेकेंड, एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा एंट्री, एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो कंपनी को कितने शेयर इशू करने थे, 8000, पब्लिक ने सब्सक्राइब भी 8000 किया, उससे ज्यादा होता तो रिफंड कर देते, तो ज्यादा तो है नहीं। दूसरा, यहाँ पे जो 2 रुपीज है वो पूरा का पूरा फेस वैल्यू, क्योंकि पूरे के पूरे सब में यहाँ पे इशूड एट पार बोला है, प्रीमियम तो है ही नहीं, तो मतलब पूरा का पूरा फेस वैल्यू है। तो जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना डेबिट, और ये पूरा का पूरा 16000 कैपिटल में जाएगा, क्योंकि दिस विल बिकम 8000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज का फेस वैल्यू। क्लियर? चलो नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट ड्यू। सर सर यहाँ पे देखो अलॉटमेंट इन एरियर्स है, यहाँ पे देखो ये जो एक्स है ना उसने अलॉटमेंट फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी बोला है। अरे भैया ड्यू के टाइम पे एरियर्स नहीं आता है। हाँ तो शांत बैठो जरा, बोलो एंट्री क्या आएगा। सर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस सम के अंदर प्रीमियम प्रीमियम तो है नहीं, कितना है अलॉटमेंट का पैसा, कितना है सर, 3 रुपीज, तो 8000 × 3 दैट कम्स टू 24000, दैट कम्स टू 24000। क्लियर? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा, सर रिसीव्ड का एंट्री, और इस सम के अंदर पहली बार अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, मतलब वंस अगेन पैसे नहीं मिले, मतलब लॉस हुआ, लॉस हुआ तो डेबिट तो होना चाहिए। तो एंट्री क्या आएगा, देखो एंट्री पहली बार पैसे मिले तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसे नहीं मिले हमारे लिए लॉस हो गया तो कॉल्सिन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके तो जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना अलॉटमेंट क्रेडिट, राइट। अच्छा मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे एक्स ने पेमेंट नहीं किया, 200 पे कितने रुपीज नहीं पे किए, सर 3 रुपीज, सो 200 पे 3 रुपए के हिसाब से मुझे टोटल 600 रुपीज नहीं मिला, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 8000, 8000 में से 200 लोग ने पेमेंट नहीं किया, तो कितने लोग ने किया रहेगा, 7800, सो 7800 × 3। तुम लोग को वहां पे ब्रैकेट में सब कुछ लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, 23400।
अच्छा, बहुत सारे बुक्स में ना यहाँ पे कॉल्सिन एरियर्स के जगह पे ना अलॉटमेंट इन एरियर्स लिखा होता है। बहुत सारे जगहों पे ना ये कॉल्सिन एरियर्स अलॉटमेंट इन एरियर्स लिखते भी नहीं है। मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही सीखो, बाकी कोई नोट्स बाकी कोई बुक्स रेफर मत करो, और एल्स यू विल गेट कंफ्यूज। मैं तो बोलता हूँ मॉड्यूल में भी जो एंट्री मैं पास करो वैसे टाइप से नहीं किया, उसको अलग टाइप से किया। ओके, तो रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू फॉलो माई आंसर माई जर्नल एंट्रीज, तो कैसे हम लोग एक यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से कर पाएंगे और तुम लोग को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, चल तो ये हो गया अपना अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट के बाद क्या है? फर्स्ट कॉल। चल, फर्स्ट कॉल एंट्री 4 के बाद एंट्री नंबर 5 बोलो। एंट्री नंबर 5 क्या आएगा सर? एंट्री नंबर 5 आएगा फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री बोलो सर। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके बोलो, व्हाट इनटू व्हाट सर? 8,000 पे हम लोग लेने वाले फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज। फिर ड्यू के बाद क्या आएगा? 8 3 24 आ गया, राइट। ड्यू के बाद क्या आएगा? रिसीव बोलो। रिसीव्ड का एंट्री सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे एरियर्स तो है ही है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बोलो। अब मुझे बताओ फर्स्ट कॉल डेबिट कितना है? 24। तो क्रेडिट कितना होगा? 24, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब मुझे बताओ फर्स्ट कॉल का पेमेंट किसने नहीं किया? सर अगर मैं बात करूं फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल का पेमेंट एक्स ने भी नहीं किया है, एक्स ने भी नहीं किया है और वाई ने भी नहीं किया है। ओके, वाई ने देखो बोथ कॉल बोला है, वाई ने दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो मतलब वाई ने एटलीस्ट फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया और एक्स ने भी फर्स्ट कॉल का नहीं किया। तो इन ऑल अगर मैं फर्स्ट कॉल का बात करूं तो मुझे ये 200 शेयर्स और ये 300 टोटल मिला के 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 500 इंटू 3 रुपीज दैट कम्स टू 1500। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 8,000, उसमें से 500 पे नहीं मिले तो कितने पे मिले होंगे? 7,500 पे कितने रुपीज? 3 रुपीज। तो इंटू 3 आंसर इज 22,500। ओके चल, अब आगे जाने से पहले हम लोग जरा वर्किंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे दोनों का वर्किंग नोट कर लेते हैं हम लोग फटाफट। चलो बताओ, फटाफट बताओ, पहले एक्स का कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? सर 200 शेयर्स। वाई का कितना शेयर्स है? सर वाई का है 300 शेयर्स, राइट। ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है, राइट। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ओके, अमाउंट का बात करूं तो एप्लीकेशन में कितना है? 2 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, सेम वे 2 रुपीज, 3 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज। ओके, नाउ 200 शेयर्स के हिसाब से 2 × 2 = 400, 3 × 2 = 600, देन अगेन 600 एंड देन 400, राइट। देन 3 × 2 = 600, 3 × 3 = 900, अगेन 900 एंड देन 600। ओके नाउ, अब ये जो एक्स है, एक्स उसने एप्लीकेशन का भरा, अलॉटमेंट नहीं भरा, फर्स्ट कॉल नहीं भरा और कंपनी ने उसको तभी के तभी निकाल दिया। मतलब यहां तक बात पहुंची ही नहीं, इसके बारे में सोचो भी मत, यहां तक बात पहुंची ही नहीं, ठीक है। ओके, वाई का अगर मैं बात करूं, वाई का तो उसने एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भरा, फर्स्ट कॉल नहीं भरा, फाइनल कॉल नहीं भरा, उसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट किया फाइनल कॉल के बाद, राइट। ओके, तो अब तक हम लोगों को कौन सा एंट्री हुआ है? देखो
कौन कौन सा एंट्री हो गया है? पहला एंट्री कौन सा है सर? एप्लीकेशन रिसीव्ड का एंट्री है, तो ये एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया, ये एप्लीकेशन को ट्रांसफर टू कैपिटल कर दिया, ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया, राइट। अलॉटमेंट ड्यू के बाद हम लोगों ने अलॉटमेंट को रिसीव कर लिया और अलॉटमेंट इन एरियर्स भी है उसमें, देन फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, फिर फर्स्ट कॉल को जब रिसीव किया उसमें भी एरियर्स है, राइट। और ये अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में जो एरियर्स है उसमें एक्स का भी है, और एक्स को हम लोगों ने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया। एक्स को हम लोगों ने फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर दिया? फॉरफिट। यहां पे देखो, दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड, लेकिन कब? फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया, फाइनल कॉल तक गए ही नहीं। तो यहां पे अब तक हम लोगों ने फाइनल कॉल के बारे में कुछ बात ही नहीं किया, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्स के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, एक्स के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। चलो बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। चलो तुम लोग को मालूम है जर्नल एंट्री, बताओ सर। जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। वेरी गुड। चलो बताओ फटाफट, कैपिटल बोले तो फेस वैल्यू, कॉल्स इन अरियर्स बोले तो क्रॉस, एंड शेयर फॉर फ्यूचर बोले तो टिक, राइट। अब मुझे बताओ ये जो एक्स है उसके शेयर फॉर फ्यूचर के हिसाब से कैपिटल कितना आएगा? देखो कैपिटल, कैपिटल का मतलब फेस वैल्यू, 400 600 600। ये जो फाइनल कॉल है उसके बारे में सोचो भी मत, वो हुआ थोड़ी ना है, फाइनल कॉल अभी तक किया ही नहीं है, तो उसका कैपिटल आएगा भी नहीं। तो बताओ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल? अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी 1600, राइट। कॉल से एनी रेट्स का अमाउंट बताओ, 600 प्लस 600 टोटल 1200, तो कॉल से एनी रेट्स का अमाउंट विल बी 1200। फॉरफीचर का अमाउंट बताओ सर, शेयर फॉरफीचर बोले तो टिक, एंड टिक का अमाउंट है 400, सो दिस विल बी 400। क्लियर? यस और नो? ओके। अब अगर मुझे यहां पे ब्रैकेट में कुछ लिखना पड़े इसका ब्रैकेट में, तो कैसे लिखेंगे? देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे एक्स के, सर 200। 200 इनटू व्हाट? फेस वैल्यू। और याद रखना फाइनल कॉल हुआ नहीं है, फाइनल कॉल हुआ नहीं, तो फेस वैल्यू में क्या आएगा? 2 रुपीज 3 रुपीज 3 रुपीज, मतलब 3 प्लस 3 6 6 प्लस 2 8, सो 200 इंटू 8, दैट कम्स टू 1600। क्रॉस का मतलब 3 प्लस 3 6 रुपीज नहीं मिला, सो दिस विल बी 200 इंटू 6 रुपीज नहीं मिला। और शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब टिक, टिक मतलब 2 रुपए मिल गए, दैट विल बी 200 इंटू 2 रुपीज जो हम लोगों को मिल गए। क्लियर? चलो इसी के साथ जैसे हम लोग ये वाला एंट्री करते हैं, ये एंट्री करने के बाद एक्स के 200 शेयर्स फॉरफिट हो गए, मतलब कंपनी में से 200 शेयर्स कम हो गए। बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? सर टोटल थे 8000। 8000 में से कितने कम हो गए? सर 200। कितने बचे? सर 7800। मतलब जो अब हम लोग फाइनल कॉल करेंगे, फाइनल कॉल, वो फाइनल कॉल हम लोग करने वाले हैं ओनली ऑन 7800 शेयर्स, क्योंकि 200 शेयर्स कंपनी में है ही नहीं। वेरी वेरी गुड। चलो फटाफट फाइनल कॉल ड्यू करो। एंट्री, सर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो अमाउंट क्या आएगा? सर अमाउंट विल बी 7800, याद रखना 8000 नहीं आएगा, 7800 इंटू फाइनल कॉल के 2 रुपए, सो दैट कम्स टू 7800 इंटू 2, दैट इज 15600। कितना? 15600, राइट। अच्छा फाइनल कॉल ड्यू होने के बाद फाइनल कॉल रिसीव करना है, और याद रखना फाइनल कॉल में वाई ने पेमेंट नहीं किया, मतलब देयर इज कॉल सीन एरियर्स। एंट्री बताओ सर, एंट्री आएगा, एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया, राइट।
कॉल्सिन अरियर्स अकाउंट डेबिट क्योंकि वाई ने पेमेंट नहीं किया है, राइट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। चलो बताओ मुझे फटाफट, फाइनल कॉल डेबिट कितना है 15,600, तो फाइनल कॉल क्रेडिट कितना होगा? सर क्रेडिट होगा 15,600, राइट। चलो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे नहीं मिले? सर वाई का जो शेयर्स था, वाई का शेयर्स कितना था 300, तो 300 पे पेमेंट नहीं मिला है, तो 300 पे हमको कितने रुपए नहीं मिले? 2 रुपीज, तो 300 × 2 दैट कम्स टू 600 नहीं मिला, राइट। टोटल शेयर्स थे 7,800, उसमें से 300 के पैसे नहीं मिले, तो कितने के मिले होंगे? सर 7,500, तो मुझे 7,500 नंबर ऑफ शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से मुझे टोटल 15,000 रुपीज मिले होंगे, यस और नो? वेरी गुड। तो इसी के साथ फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री हो गया, फाइनल कॉल रिसीव्ड का एंट्री हो गया। अब यहां पे देखो, मैं थोड़ा सा ना तुम लोगों को बता देता हूं, यहां देखो अलॉटमेंट इन एरियर्स कितना दिख रहा है, अलॉटमेंट इन एरियर्स बताओ, अलॉटमेंट के टाइम पे एरियर्स कितना है? सर ये अलॉटमेंट है और यहां पे क्रॉस है, क्रॉस का मतलब एरियर 600, तो आ जाओ एंट्री में, यहां पे देखो अलॉटमेंट के टाइम पे एरियर है 600, बराबर, ओके। फर्स्ट कॉल में कितना क्रॉस है फर्स्ट कॉल में? सर ये देखो, ये फर्स्ट कॉल है 600 है और ये भी फर्स्ट कॉल है, ये 900 है, तो 6 + 9 टोटल 1500 है, तो फर्स्ट कॉल में देखो एरियर से 1500, समझा। एंड देन मुझे बताओ, यहां पे तो फाइनल कॉल है ही नहीं, यहां पे फाइनल कॉल का एरियर्स कितना है सर? 600, तो यहां पे देखो फाइनल कॉल के एरियर्स में है यहां पे 600, समझा, ओके। अब फाइनल कॉल होने के बाद हम लोग वाई के शेयर्स को क्या करने वाले हैं? फॉरफिट एंट्री बताओ, चलो फॉरफिचर का एंट्री मालूम है, बोलो फटाफट। सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, टू कॉल्सिन अरियर्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, वेरी वेरी गुड। चलो फटाफट बताओ कैपिटल का मतलब क्या? सर फेस वैल्यू, कॉल्सिन अरियर्स बोले तो क्रॉस, शेयर फॉरफिचर बोले तो टिक। चलो फटाफट वाई केस में देख के बताओ, सर कैपिटल में 600, 900, 900, 600 सबका सब सर फेस वैल्यू तो है, तो बराबर है, वेरी गुड, अमाउंट विल बी 3000। चलो कॉल्सिन अरियर्स का मतलब क्रॉस, क्रॉस बताओ कितना है? सो 900 + 600 क्रॉस में सर 1500 है, वेरी गुड। टिक में कितना है? सर टिक में 600 + 900 सर वो भी 1500, चलो वो भी 1500, राइट। अच्छा अगर मुझे ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में, तो ये क्या आएगा? सर देखो 300 शेयर्स है और फेस वैल्यू पूरा का पूरा 10, ये जो 300 है उसमें ना उसने लास्ट का फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं पे किया, मतलब 3 + 2 ₹5 नहीं पे किए, और ₹5 नहीं पे किए इसी का मतलब हो गया सर ₹5 पे किए, वेरी नाइस, क्लियर। चलो तो ये हो गया अपना कौन सा एंट्री, फॉर फ्यूचर का एंट्री, किसका फॉर फ्यूचर, वाई का। अब एंट्री करते हैं रीइशू का, रीइशू का एंट्री बताओ। सर रीइशू का एंट्री तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बोलो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट क्योंकि हम लोग लॉस में बेच रहे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? सर हम लोग बेच रहे 400 शेयर्स 9 रुपीज में, तो कैश बैंक में इट विल बी 400 × 9, लॉस कितने का हो रहा है सर? 400 × 1, और फेस वैल्यू कितना है? 400 × 10, सो द अमाउंट कम्स टू, दिस इज 4000, दिस इज 400 एंड दिस इज 3600, राइट। चलो री इशू के बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सा आएगा? सर री इशू के बाद नेक्स्ट एंट्री है ट्रांसफर का, एंट्री आएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। अब अमाउंट क्या आएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा अगर मैं बात करूं एक्स के प्रॉफिट का, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ एक्स, प्रॉफिट ऑफ एक्स का फॉर फ्यूचर,
सर एक्स के प्रॉफिट में एक्स का जो शेयर फॉरफिचर है वो 400 है, वेरी नाइस। वाई का शेयर फॉरफिचर कितना है? सर वाई का जो शेयर फॉरफिचर है दैट इज 1500, वेरी वेरी गुड। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं एक्स का कितना है, एक्स का कितना बोला सर? एक्स का जो शेयर फॉरफिचर है वो 400 है। ओके तो एक्स का ले लिया हम लोगों ने 400 प्लस वाई का ले लिया 1500 माइनस लॉस कर दिया, माइनस लॉस, और लॉस है, लॉस का अमाउंट है 400। क्या ये सही है? सर बिल्कुल नहीं। क्या रॉन्ग है बताओ? सर ये देखो ये 200 शेयर्स का है और ये है 300 शेयर्स का। ओके तो बताओ मुझे 300 शेयर्स का नहीं चाहिए तो मुझे कितने शेयर्स का चाहिए? सर मुझे 300 शेयर्स का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 200 शेयर्स का। तो चलो बताओ फटाफट, 1500 अगर 300 शेयर्स का है तो 200 का कितना? 300 शेयर्स का अगर 1500 है तो 200 शेयर्स का कितना? चलो फटाफट बताओ कैलकुलेट करके। सर देखो 200 इंटू 1500 डिवाइड बाई 300 एंड दैट कम्स टू 1000 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, राइट। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर? देखो ये जो अमाउंट है ये 200 का प्रॉफिट है, ये 200 का प्रॉफिट है और ये 400 का लॉस है, राइट। 400 शेयर्स का लॉस है, राइट। हर एक शेयर पे एक एक रुपए का लॉस हुआ था ना। ओके चलो, तो व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट टू बी ट्रांसफर विल बी 1400 माइनस 400 दैट कम्स टू 1000 रुपीस। क्लियर?